होली की दूज वाले दिन किया अपहरण, बंधक बनाकर किया बलात्कार, लगाए 3 लोगों पर आरोप। खबर शिवपुरी से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में एक महिला ने शिकायती आवेदन दिया, जिसमें उसने बताया कि होली के दूज वाले दिन आरोपी गणों द्वारा अपहरण कर बंधक बनाकर बलात्कार किया, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस थाना सिटी कोतवाली एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को दिनांक 15 मार्च को की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही न होने तथा आरोपी गणों द्वारा महिला पर शिकायत वापस लेने हेतु दबाव बनाने तथा शिकायत वापस न लेने पर महिला व पति को जान से खत्म कर देने की धमकी देने के आरोप महिला में लगाए हैं। वहीं महिला ने बताया कि घटना होली की दूज वाले दिन की सुबह 7 बजे की है, जब महिला का पति ड्राइवरी के कार्य से घर से बाहर गया हुआ था। महिला घर पर अकेली थी, तभी बुलेरा गाड़ी से आरोपीगढ़ सुरेखा आदिवासी माखन रावत व बलराम गुर्जर आए और महिला के घर में घुस गए और जबरन पकड़कर बुलेरो गाड़ी में बिठाकर छिछिमा मंदिर के पास जंगल में ले गए और वहां जबरन बंधक बनाकर रखा एवं तीनों आरोपीगढ़ों ने महिला के साथ पूरे दिन एवं पूरी रात बारी बारी से बलात्कार किया और दूसरे ही दिन सुबह महिला को घर पर छोड़कर चले गए और जाते हुए धमकी देकर गए कि यदि कहीं भी शिकायत की तो तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे, जिसकी शिकायत महिला ने कलेक्टर परिसर में की है। कहाँ रहते हो? अभी हम रहते हैं पेट्रोल पंप के पास में, मेडिकल कॉलेज के पास में वो पेट्रोल पंप है। क्या घटना हुई है आपके साथ? वो होली के दूज वाले दिन वो आए थे माखन रावत और 2 लोगों को लेके आए थे। कौन है जी आपके? माखन रावत हमारा, मेरा तो कोई नहीं है लेकिन इनका है। कौन? कोई रिश्तेदार है वैसा। अच्छा, वैसे मान चुके हैं। फिर तो उन्होंने जबरदस्ती की, मेरे साथ छेड़छाड़ की और मुझे उठा के ले गई गाड़ी से। हाँ, ले गए थे? मालूम नहीं अभी थे तो मैं, अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है सिफरी के बारे में। मैं तो शादी को कितने साल हो गए आपके? नहीं, मुझे भी वैसे लेके आए। लेके आए कहाँ से? अपनी मर्जी से ले, वो घर वालों ने की है। कहाँ से लेके आए? मतलब कहाँ की रहने वाली? गुनाह की रहने, वैसे अशोकनगर की रहने वाली। लव मैरिज की है आपने? घर वालों ने की है। कितने साल पहले? हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हुए। और ये रावत है जो कब से आपके साथ इस तरह की हरकत कर रहा है? एक कुल मिला के 1 साल से हुए। तो आपने इसका पति से नहीं? तो वो है ना, पति हमारे बहुत खराब हैं वैसे कि मैंने सोची कि जी आपस में लड़ाई होगी इस समाज की और मेरे को धमका दिया उसने कि अगर तू बताएगी तो इन्हें उसे भी मार दूंगा। हाँ, तेरे बच्चे को भी मार दूंगा, छोटा सा लड़का है मेरे पास, इसलिए मैंने बताई नहीं। तो आप बंधक बनाया किस, मतलब कैसे छूटी फिर वहाँ से आप? उन्होंने ही छोड़ा दूसरे दिन। दूसरे दिन कितने लोग थे? वो 3 लड़के 3 थे। तो आपको ये तो पता हो कहीं होटल में ले गए या कमरे में कहीं? नहीं, होटल मोटल में नहीं। तो कैसी जगह थी? और जंगल सी में लेके गए। जंगल से? घर से ले गए थे आप? हाँ, घर से। तो घर से ले जा रहे थे सब, तो आपने चिल्ला चोट नहीं की इस बार? नहीं, तो हमारे पास ऐसा कोई पास में नहीं रहता ना, पास में फार्म पे रहते हैं और पता ही करते हैं। कहीं से ले गए थे आपको? गाड़ी से ले गए थे, 4 पहिए की। 4 पहिए गाड़ी से? फिर आपने थाने में शिकायत की? हाँ, थाने में शिकायत की तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था तो मुझे